हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये पौधा देख लीजिए, सहदेवी का पौधा। किसी ने हमें कमेंट करके बोल रहे थे कि सर जी, आप जो है सहदेवी के बारे में कोई जानकारी बताएं। अक्सर हमारे खेतों में देखने को मिल जाते हैं, लोग इसे घास फूस समझ करके उखाड़ के फेंकते हैं। अधिकतर किसान लोग जो है ना सहदेवी के पौधे से परेशान रहते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होने के अभाव में उन्हें केवल यह खरपतवार समझते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर सहदेवी के औषधीय गुणों को पहचानना सीख जाएं तो ये आपके बहुत सारे बीमारी को चुटकी में समाप्त कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में बताया गया सहदेवी के बारे में जो जानकारी बताऊंगा वो आपको जिंदगी भर काम आएगा। कभी भी वीडियो को अभी भी आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है। आज की जो मैं जानकारी इसके बारे में बताऊंगा वो हमेशा आपको काम आएंगे, क्योंकि कोई भी जानकारी जो होती है व्यर्थ नहीं होती, अभी नहीं तो बाद में चल करके इसके औषधीय गुणों की प्रयोग आपको काम आएंगे, लेकिन काम जरूर आएंगे। सबसे पहले बताना चाहूंगा, ये बिच्छू के जहर को ताने का काम करता है। पहला, अगर किसी को बिच्छू ने डंग मार दिए तो इसके जड़ को पीस करके बिच्छू जहाँ पे डंग मारे प्रभावित हिस्से वहां पे इसके जड़ को बांध देने से बिच्छू के जहर उतर जाते हैं। ठीक इसी प्रकार ये बहुत सारे फायदा देने का काम करते हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। जानकारी आगे बढ़े आने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारे चैनल द्वारा या हमारे टीम के द्वारा या मैं खुद आने रहने पर आपकी बिल्कुल ही मदद करूंगा। बहुत से लोगों को मैंने देखे हैं इसके बारे में, इसलिए आज मैं जानकारी बता रहा हूँ। बुखार जो आ जाते हैं ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। हमने काफी लोगों को देखे हैं बुखार ठीक होने का नाम ही नहीं लेते, परेशान हो जाते हैं, न जाने कितने प्रकार की दवा खाते हैं। क्योंकि भूत ज्वर एक ऐसा ज्वर होता है जो कि आ जाने के बाद पूरे शरीर को शिथिल कर देता है और ठीक होने का नाम ही नहीं लेते। तो अगर आप भी हमेशा बुखार से परेशान रहते हैं तो इसके जड़ को सिर पर बांधने मात्र से जर जो होती है, बुखार जो होती है, ज्वर होती है, नष्ट हो जाती है और अच्छी नींद आती है। इस प्रकार की जानकारी आपको YouTube में बहुत ही कम लोग बताने वाले होते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को नया नया पेड़ पौधा की जानकारी सिखाता हूं ताकि आप सभी इन पेड़ पौधों की जानकारी को सीखे, आने वाले टाइम ही आपके लिए यूजफुल हो। तो ये थे कुछ इसके छोटे से जानकारी, इसके बारे में और भी विस्तार से बताऊंगा, इसका तांत्रिक प्रयोग भी होता है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो ये थे छोटी सी जानकारी, यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी मित्रों का नमस्कार।